हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे तेजी के साथ फैलने वाली बीमारियों में से एक है, और इस बीमारी का नाम है कॉमन कोल्ड। डिजीज़ का नाम क्या है? कॉमन कोल्ड। हाँ, हम उसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सर्दी हो गई लोगों को, तो उसी चीज़ के बारे में बात करनी है। हमें कॉमन कोल्ड को समझना है, कॉमन कोल्ड का कॉज क्या है, इसका ये स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसको किस तरह से ट्रीट करना है। हर चीज़ को हम, हर पहलू को इसके आज देखेंगे। NCERT में दे दिया है और थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी है, तो ऑफकोर्स ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो सीरीज़ चल रही है बीमारियों की, जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ बीमारियों पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में जिस बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारी बीमारियां अचानक से आ गई, स्पेशली उसमें से आपका COVID-19, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है। इस बात से एक याद आया कि हम लोगों के, हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, साथ में हमारी जो द बायो प्लैनेट है, ये एक फैमिली है, इसमें एक बहुत अच्छे स्टूडेंट फ़हीम अहमद जिसका नाम है, कल उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, तो सारे लोग उनके अब्बू के लिए और उनके फैमिली के लिए प्लीज़ दुआएं करें। तो फिर हम टॉपिक पे आते हैं। खैर, चलो, तो हम कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है और इसीलिए हर बीमारी को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हर कोई हर डिजीज़ को समझे, जैसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में मैंने पहले ही बताया, निमोनिया के बारे में बताया, टाइफाइड के बारे में, प्लेग और डिप्थेरिया, डिसेंट्री के बारे में, सबके बारे में हमने एक एक करके पढ़ लिया। वो बैक्टीरियल डिजीज़ थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी कौन सी बीमारी है, ये एक वायरल डिजीज़ है। अब ये वायरल डिजीज़ जो है, ये 3 to 7 days तक आपकी बॉडी के अंदर स्टे करती है। मतलब इसका अगर देखा जाए तो कोई अभी प्रॉपर मेडिसिन तो आई नहीं है आपके कॉमन कोल्ड की। 3 to 7 days तक आपकी बॉडी में स्टे करती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, फिर इन वायरस को वो ख़त्म कर देती है, ये ख़त्म हो जाता है। ये न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा से अलग है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली डिजीज़ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका लंग्स वाला पार्ट आ जाता है, बट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो स्पेशली उसमें से नोज और जो नजल चैम्बर होता है, नोज एंड जो नजल चैम्बर है, नजल चैम्बर है, यहां पर इनका इन्फेक्शन होता है, नोज एंड नजल चैम्बर में। अब इनका इन्फेक्शन होता है और कॉज क्या है, थोड़ा से कॉज के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से ये इन्फेक्ट करते हैं। अभी हम कॉज के बारे में बात करें। देखो, कोल्ड के लिए लगभग 200 से ज़्यादा, मोर देन 200 के आसपास समझ लेते हैं वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है आपके कोल्ड के लिए। अब उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% जो होते हैं वो आपका रिनो वायरस है, रिनो वायरस 50 to 60% आपका रिनो वायरस कॉज करता है आपके कॉमन कोल्ड को। उसके अलावा आपको मालूम है कोरोना वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरसेस हो गए। तो ये कुछ कॉमन वायरस के नाम है जिनकी वजह से होता है, बट सबसे जो कॉमन है वो आपका रिनो वायरस है। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो आपकी कॉमन कोल्ड होता है वो रिनो वायरस की वजह से ही होता है। बाकी जितने भी है उसमें आपके लगभग 190 आपके मोर देन लगभग 200 के आसपास, ये सब मिलके कितनी बीमारियां बनाते हैं, 40% बीमारियां, लेकिन सबसे ज्यादा रिनो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये इंटर होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हमारी बॉडी में नोज से, आई से और माउथ से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, और साथ ही साथ ये स्प्रेड करते हैं फ्रॉम 1 person to another person। तो बॉडी में जो एंट्री वाला इनका रास्ता जो होता है, वो आपका इंटर करने का जो रास्ता है वो क्या है, आपका नोज है, आई एंड माउथ।
तो यहां से ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंटर होते हैं। एक बार बॉडी के अंदर इंटर हो गए तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एक दिन या दो दिन का टाइम लगाते हैं और इतने में ये अपनी ज्यादा इतनी कॉपीज बना लेते हैं कि हमारे अंदर वो इनके सिम्टम्स आने लगते हैं। अभी हम सिम्टम्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इनकी स्प्रेड के बारे में, हाउ डज इट स्प्रेड। तो इनके हम अगर स्प्रेड के बारे में बात करें तो ये दो तरीके से स्प्रेड करते हैं। इनका जो स्प्रेड होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। ये डायरेक्टली स्प्रेड भी करते हैं और इनडायरेक्ट स्प्रेड भी करते हैं। अब कैसे डायरेक्ट स्प्रेड करते हैं, जैसे एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उसने स्नीजिंग की, आपको जनरल आप एक कॉमन कोल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कुछ कोई सिम्टम दिखता है तो स्नीजिंग होती है और सोर थ्रोट होता है। तो स्नीजिंग उसने की, बहुत सारे वायरस बाहर निकल के आए, काफ़ी दूर तक गए एयर में, और उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए हर आदमी के पास क्या पहुँच गया, ये वायरस पहुँच गया। अब ये वायरस जब पहुँचा तो इसको हमने कहा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ये ट्रांसमिट हो गया। दूसरा होता है ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिट करता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आपने उससे पेन मांग ली, उसने ऐसे पेन आपको पकड़ा दी, वो एयर के थ्रू नहीं गया बल्कि अब पेन के थ्रू आपने उसकी पेन लिखना शुरू कर दिया, आपने फिर नोज को टच किया, वो आपके अंदर नोज से होके आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, मल्टीप्लाई किया, आप बीमार पड़ गए। क्योंकि कॉमन कोल्ड सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से है, हालांकि उतनी ज़्यादा खतरनाक होती नहीं है, अगर ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो अभी जैसे आपका कोविड 19 है, स्प्रेड कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। अब इसमें होता क्या है ना कि इसमें जान जा रही है, इसलिए ये खतरनाक है, बट ये जो कॉमन कोल्ड है इसमें लोगों की जान नहीं जा रही, 2-3-4-5 दिन के बाद ये आदमी ठीक हो जा रहा है। तो इनडायरेक्टली आपने पेन मांग लिया इन्फेक्टेड पर्सन से, आपने उसकी बुक मांग ली, कॉपीज मांग ली, पेंसिल मांग ली, आप जो आपका डोर नॉब होता है जब दरवाजा को पकड़ने वाला जो हत्था होता है आप उसको ओपन करते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन बन गया, उसने भी ओपन इस तरह से पकड़ के दरवाजे को ओपन किया, डोर को ओपन किया, और उसके बाद आप जाते हो, आप भी सेम वैसे ही पकड़ते हैं, फिर आप नोज को टच करते हैं, इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर वो इनडायरेक्टली भी इंटर हो सकता है। तो डायरेक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। अब अगर हम इनके सिम्टम्स को देखें तो पहले ही मैंने बताया कि आपका नोज नजल चैम्बर में ये देखा जाता है, और जब नजल चैम्बर में फैरिंग्स वाला पार्ट, फैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट जो वहाँ पे आपकी होती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन। तो हमारे नोज वाला जो चैम्बर होता है यहाँ से पीछे अंदर की तरफ है, वो नोज वाला जो चैम्बर होता है वहाँ पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, और कोई भी अगर चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो चाहे वो म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, म्यूकस को सिक्रीट करेगी ताकि वो इरेडिकेट कर सके, उसको खत्म कर सके, या उसको अंदर जाने से रोक दे, उस बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने से रोक दे। अब यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन हुआ, और ये जो म्यूकस है इसने क्या किया, चैम्बर को, जो आपका चैम्बर है वहां पे म्यूकस की एक और लेयर आ गई, वो उसकी वजह से वो जो जो ट्रैक्ट है वो और पतला हो गया और नैरो हो गया, इसकी वजह से एयर ठीक से अंदर नहीं आ रही, एयर एंट्री जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जो एयर एंट्री है वो थोड़ा से ब्लॉक हो गई, और जब ब्लॉक होती है तो इसकी वजह से एयर प्रॉपर जब बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाती है तो फैटिगनेस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फैटिगनेस की प्रॉब्लम कब होगी, जब ज़्यादा कंजम्पशन होता है आपकी बॉडी में फूड का, और आपकी बॉडी के अंदर फूड कम पड़ जाता है, ऑक्सीजन क्योंकि नहीं मिल रही थी इसलिए उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया, फूड की कमी हो गई, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसलिए फैटिगनेस। तो एक देखा जाए, अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इनके सिम्टम्स में आपके आप फैटिगनेस देख सकते हैं, थकान, फैटिगनेस आपको देखने को क्या मिलेगा, स्नीजिंग जो बहुत ही कॉमन है, कफ, हेडेक, हेडेक आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे आपका नजल कंजेशन एंड नजल
कंजेशन एंड डिस्चार्ज, एंड डिस्चार्ज, तो नोज, रनिंग नोज आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, आपके कॉमन कोल्ड में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है ये सारी चीजें, तो ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि सर एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में सारी चीजें दे, जितना मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत चीजें अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो कम से कम आपको तो पता रहेगा ना उस बीमारी के बारे में। हमें सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना जितना किताबों में रहता है, क्योंकि आज हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ को बचाने की, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, हम ज़्यादा स्टडी करेंगे, हम ज़्यादा अपनी कंट्री को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और बाकी कंट्री के लिए। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है। तो थोड़ा सा आप इन बीमारियों के बारे में पढ़ें, इनको समझें और ये समझें कि आखिर ये किस तरह से स्प्रेड हो रही है, क्योंकि आज हमें सबसे ज़्यादा अपने हाइजीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो हमें हाइजीनिक होना पड़ेगा क्योंकि वक्त बदल रहा है, पहले वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है। कभी मास्क नहीं लगाते थे, आज सारे लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से अगर जिसने अपने आप को नहीं बदला वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आज जो वक्त की डिमांड यही है कि आप अपने आप को बदलें। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाइजीनिक बनना पड़ेगा और इन बीमारियों के बारे में भी समझने की कोशिश करें, जो कि कुछ उसमें से सीवियर होती है, कुछ बहुत ही माइल्ड होती है, वो ख़तरनाक नहीं होती। तो इन्फ्लुएंजा थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है, बट कॉमन कोल्ड कम खतरनाक होता है। बट आप छोटे छोटे बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। अब पैसा बचेगा बच्चों, आपके आपका इकोनॉमिक जो होगी स्टेटस वो भी इंक्रीज करेगा, अगर बार बार कोई बीमार नहीं होता। छोटी छोटी बीमारियां बाद में बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया, वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो इनके ट्रीटमेंट के बारे में अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्योर इसका आया नहीं है। किसका? कॉमन कोल्ड का। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक्स का हम अगर यूज़ करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं यूज़ करना, क्यों नहीं यूज़ कर सकते एंटीबायोटिक्स का? इसलिए क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे तो आपको पता है एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया की बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। वो बैक्टीरिया के अंदर बनने वाले जो सेल वॉल, जो उनके अंदर सेल वॉल बनती है, उनका जो बायोकेमिकल पाथवे होता है सेल वॉल के बनाने का, उसको ये हॉल्ड कर देती है, उसको ये रोक देती है एंटीबायोटिक। लेकिन वायरस में ऐसी कोई सेल वॉल पाई नहीं जाती है, इसलिए एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट वायरस पे नहीं पड़ेगा। तो कॉमन कोल्ड की कंडीशन में अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो कभी कभी डॉक्टर दे देता है, क्योंकि उसके अलावा, जैसे आपको जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड ही है, उसके अलावा भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया, तो वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो आप उस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो सही हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके लिए वो ज़्यादा फायदा। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे कि आप रेस्ट करें, दूसरा ढेर सारा फ्लूड ले, जैसे जो वार्म वाटर है वो आप ले सकते हैं, हॉट सूप है, ठीक है ना, वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में अगर चाय बन रही है आप गर्म चाय पिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना, उनका आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ भी उसमें आती है, काम करती है, जैसे आपका एस्पिरिन है, एंटी हिस्टामिन है, उसके अलावा आपका एसिटामिनोफेन है। तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे मैंने नाम बताया इनका एस्पिरिन, एंटी हिस्टामिन, एसिटामिनोफेन, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो यहाँ पे काफी कारगर होती है। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स भी आते हैं जो इनको इनको सप्रेस करते हैं, आपके कॉमन कोल्ड को सप्रेस करते हैं। तो कॉमन कोल्ड के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब लेकिन ये है कि आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट वो दूसरे केसेस में कर सकते हैं जब आपके वायरस के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर देखे जा रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया, इनकी आप नोट्स बना लें। मैंने सारी चीज़ों को शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश की है, और कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दें।
कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ, मैं उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और हार्ड वर्क करते रहें। भले से लॉकडाउन चल रहा है, हमारा काम है पढ़ना तो हम पढ़ेंगे और हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है। थोड़ा सा भी आप लेट हुए तो बहुत सारे एक लंबी लाइन लग जाती है, तो बेहतर है नॉन स्टॉप स्टडी करते रहें, अपना काम को करें। इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और अलग से बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पीछे हटना नहीं चाहिए, आपको गेन करना है तो गेन करना है, बस यही। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो सारे लोग, मैं एक बार फिर से एक बार बता दूँ कि आप फ़हीम के अब्बू का जो इंतकाल हुआ है, आप उनके लिए दुआ करें और कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में एक आला मकाम अता फरमाए, साथ ही साथ उनकी फैमिली के लिए भी प्रे करें। थैंक यू सो मच।